तो चले दोस्तों, आज हम अनबॉक्सिंग करते हैं एलईडी लाइट एंड वीडियो शूट फ्रेम। ये स्पेशल एलईडी लाइट वीडियो शूट के लिए आती है जिसे हम अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो आपके सामने दिखाते हैं ये रिंग लाइट किस तरीके की होती है, और इसे आप अगर यूज़ करेंगे तो आपकी वीडियो काफ़ी क्लियर और अच्छी क्वालिटी में शूट होगी। तो ये मैंने ऑनलाइन परचेस कर लिया है अपनी वीडियो शूट करने के लिए। तो दोस्तों, आपके सामने अब मैं फाइनली अनबॉक्स करने जा रहा हूँ एलईडी लाइट को, जो कि वीडियो शूट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखें, इसके साथ एक फ्रेम आता है, ये चीप रेट में ही आता है, काफ़ी महंगा भी नहीं होता है, ये चीप रेट में आपको मिल जाएगा ये मार्केट में, ऑनलाइन किसी भी मार्केट पे आप इसे परचेस कर सकते हैं। परचेस करने के बाद कुछ इस तरीके से इसकी फ्रेमिंग आएगी, ऐसे पैक करके आपको ऑनलाइन से भेजा जाएगा आपको। तो देखें दोस्तों, ये रही वो एलईडी लाइट जिसे आप यूज करते हैं वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए। ये रिंग एलईडी लाइट है, देखें। देखें, ये रही रिंग एलईडी लाइट, ये देखें, ये है रिंग एलईडी लाइट जिसे आप वीडियो बनाते समय यूज कर सकते हैं। और ये माउंट दिया हुआ है सामने, इसको आप उसके ऊपर लगाने के लिए, जो स्टैंड होता है उसके ऊपर ये हैंग करने के लिए होता है, साथ ही ये रोटेट करने के लिए, किस तरह आप जो अपने मोबाइल को रोटेट करना चाहते हैं। और साथ ही ये फ्रेम भी दिया हुआ है ऐसे हैंग करने के लिए। पूरा सेटअप करके हम आपको दिखाते हैं। और साथ ही ये जो है दिया हुआ है, इसके साथ आपको एक प्लग, इस प्लग से आप लाइट्स को स्विच ऑन स्विच ऑफ कर सकते हैं। ये यूएसबी केबल है, कंप्यूटर के थ्रू आप इस लाइट को ऑन कर सकते हैं, या फिर मोबाइल के साथ कनेक्ट करके चार्जर के साथ आप प्लग में यूज भी कर सकते हैं इसे। और साथ ही हम आपको देखें, ये काफ़ी शानदार दिया हुआ है एलईडी, और बहुत इसका वेट भी नहीं है, और इससे सूट करने पे आपके जो चेहरे की क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छी आएगी। तो आप देखें, ये रही रिंग एलईडी लाइट। चलें इसके फ्रेम को खोलते हैं हम। इसके साथ एक फ्रेम दिया हुआ है जिसे आप अपने हिसाब से सेट करके यूज कर सकते हैं। ये फ्रेम दिया हुआ है काफ़ी ठोस, और ये पूरा लोखंड का बना हुआ है फ्रेम, काफ़ी अच्छा और मज़बूत है ये, जिसे आप यूज कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ये देखें, देखें ये फ्रेम दिया हुआ है वीडियो शूट के लिए, और ये सपोर्ट इसके साथ दिया हुआ है जिससे आपका फ्रेम जो है काफ़ी अच्छे तरीके से स्टैंड हो सकता है। तो इसको देखें, ये जो चीज़ें आपको मैंने शुरू में बताई थी ये हैं, और ये चीज़ें हैं इसके अंदर। अभी हम स्क्रू करेंगे, ये देखें सामने दिया हुआ है, इसके अंदर आप ऐसे लगा करके इस तरीके से आपने लगा लेना है इसमें, और इसके बाद यहाँ से आपने एक साइड में आपको सपोर्टर दिया हुआ, इसको रोकने के लिए ऐसे आप फिट करके ऐसे रोक सकते हैं। तो अब ये हैंग हो गया, और इसमें देखें साइज, ये साइज बढ़ाने का भी ऑप्शन दिए हुए हैं, आपको कितना साइज का ऊपर चाहिए कितना साइज बढ़ा सकते हैं। ये काफ़ी लंबा 3 मीटर के करीब करीब ये जो है साइज बढ़ाने का ऑप्शन दिया हुआ है इसके अंदर, आप उस तरीके से आप चाहे तो साइज बढ़ा सकते हैं, अपने हिसाब से साइज छोटी भी कर सकते हैं। इसमें आपको सेट करने के लिए ये साथ में प्लग दिया हुआ है जिसे आप अपने साइज के हिसाब से इसे आप टाइट कर सकते हैं, इस तरीके से आप रोक सकते हैं। देखें साथ में ये आप छोटा बड़ा स्टैंड इसे कर सकते हैं, छोटा चाहिए छोटे साइज में, बड़ा चाहिए बड़े साइज में इसे आप बना सकते हैं, और ये काफ़ी अच्छा है।
इसे यूज करने के लिए आप मोबाइल वीडियो, टिकटॉक, इंस्टाग्राम स्टोरी वगैरह बनाने के लिए काफ़ी अच्छा स्टैंड है, जिसके ऊपर ये एलईडी लाइट को जो है फिक्स किया जाता है। अब देखें, यहाँ पर आप एलईडी लाइट को यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। ये देखें, कुछ इस तरीके से आप इस पे एलईडी लाइट को फिक्स कर लेंगे। ठीक है, ये एलईडी लाइट इसमें इस तरीके से फिक्स कर ली जाएगी। देखें, यहाँ पर एलईडी लाइट इस तरीके से फिक्स करके अपने स्टैंड छोटा बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर आपने छोटा करना है, बड़ा करना है, ये साइज है। साथ में ये लाइट दिया हुआ है, इसको आपने छोटा बड़ा कर सकते हैं आप। ये दिया हुआ है मोबाइल हैंग करने के लिए। ये चले, हम आपको दिखाते हैं इसे कैसे फिक्स किया जाता है। देखें, इसे यहाँ फिक्स करेंगे। ये आपने फिक्स कर लिया, और इसके साथ ये माउंट दिया हुआ है, जिसे आप इसके अंदर फिक्स कर लेंगे। पहले इसे निकाल लें, आप इसे निकाल के इसे फिक्स कर लें। सबसे पहले आप इसे छोटा बड़ा कर लें, किस तरीके से चाहिए आपको ऐसे करना है। इसे आपने निकाल लेना पूरी तरीके से, ताकि अच्छे तरीके से आप इसे फिक्स कर लें। ये फिक्स हो गया अंदर। उसके बाद इसे आप लगा करके इसे मजबूती से फिक्स कर दें। ये फिक्स हो गया, अपने हिसाब से इसे कम बेसी सेट कर सकते हैं आप। और ये इसे इसके अंदर आप जो है इस तरीके से फिक्स कर सकते हैं, और अपने हिसाब से इसे आप रोटेट कर सकते हैं। इस साइड में आपको चाहिए ऐसे रोटेट कर लें, और इसके अंदर आप मोबाइल यहाँ पर फिक्स कर सकते हैं। किस तरीके ऐसे लगाना है, ऐसे लगाना हो, ऐसे लगाना हो, तो उस तरीके से ये साइज छोटा बड़ा करने का दिया हुआ है यहाँ पर, तो आप इस साइज को अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। और इसे स्टैंड जैसे घुमाना चाहें उस तरीके से ये स्टैंड घूम सकता है। आपको किधर घुमाना है, किस तरीके से आपने वीडियो शूट करनी है, ये सब सारे ऑप्शन इसके अंदर दिए हुए हैं। तो दोस्तों देखें, ये फाइनली जो है एलईडी लाइट बन करके तैयार हो गई वीडियो शूट करने के लिए। यहाँ से आप अपना मोबाइल फिक्स करेंगे, यहाँ मोबाइल फिक्स करने के बाद आप अपना वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर आपने अपना मोबाइल को यहाँ पर फिक्स कर लेना है, उसके बाद एलईडी लाइट जला करके आपने वीडियो शूट कर लेना है। ये यहाँ पर फाइनली हमने सेट किया इसको, देखते हैं अब इसे जो है इसे आपको ऐसे मूव करके फिक्स कर सकते हैं, इस हिसाब से चाहिए आपको। इसे फिक्स कर लिया आपने, साथ ही देखें, ये हमने इस केबल को जो है अपने ये केबल रहा, और ये चार्जर एडाप्टर एडाप्टर को हमने इसमें फिक्स कर लेना है। साथ ही इसको ले जा करके स्विच के अंदर लगा लेनी है, और यहाँ पर एक स्विच दिया होगा, इस स्विच से आपने ऑन ऑफ कर लेना है। ऐसे आप वीडियो रिकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो, देखें इसकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी यहाँ पर। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको ये फिक्स करना ना आता हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम आपको पूरा प्रोसेस बताएंगे किस तरीके से इसे फिक्स किया जाता है, और वीडियो शूट के लिए क्या क्या चीज़ें, एडिट के लिए कौन कौन सा ऐप यूज़ करें। अगर आप ये सब जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। देखें इसकी क्वालिटी किस तरीके से चेंज होती है वीडियो रिकॉर्डिंग की। यहाँ पर फ्लैश लाइट से जो आपका फेस चेंजिंग, कलर्स वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है, अच्छे क्वालिटी का आता है इसमें। और भी वैरायटी के आपको रिंग मिलेंगे,
हम आपको अगली वीडियो में दिखाने वाले कौन सी एलईडी बेस्ट होती है वीडियो शूट के लिए। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम आपको आगे की वीडियो में और भी इस तरीके की जानकारी देने वाले हैं। देखें ये फाइनल सेट हमारा बन करके तैयार हो गया इस तरीके से। ये रहा हमारा लैम्प, ये एलईडी और ये पूरा लैम्प। इस तरीके से आपने फिक्स कर लेना है और वीडियो शूटिंग रेडी कर लेनी है। इस तरीके से आपने साइज चाहिए बढ़ता रहेगा, छोटा बड़ा साइज चाहिए आप ऐसे छोटा कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं। यहाँ पर 3 रॉड दिए हुए हैं इसके अंदर छोटे बड़े करने के लिए, छोटे बड़े आप साइज में आपको इसे फिक्स कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने रेडी कर लेना है अपने फ्रेम को, एलईडी लाइट को। तो चलें दोस्तों हम आपको अगली वीडियो में मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें दोस्तों।